नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सभी लोग, हम सभी लोग जो है तीसरा चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं साइंस का। विज्ञान के तीसरे सीरीज को हमने आज थ्योरेटिकल, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। जो चैप्टर था बल, इसके पहले दो चैप्टरों को गति और दैनिक जीवन में विज्ञान को पढ़ लिया है। ये सारा कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, इस वजह से आगे चलेंगे। आज जो है सहायक अध्यापक उन राज्यों की जो अध्यापक परीक्षा हुई उसमें से जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला नंबर दे रखा है कि एक बल है F बराबर इतना दे रखा है, न्यूटन एक वस्तु को इतने मीटर विस्थापित कर देता है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। तो कृत कार्य बताइए। देखिए, एक सूत्र था, क्या था सूत्र, सबको पता होना चाहिए। सूत्र था क्या, W बराबर वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है, यहाँ देख लीजिए, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। अब यहाँ पे इस उसमें दे रखा है कि बल कितना है, बल दे रखा है कितना, बल दे रखा है हमारा एफ आई कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये बल दे रखा है इनटू विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप। ये क्या दे रखा है, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इनटू कराना है। देखिए, सबसे पहले जो भी कराएंगे अच्छे से देखते हैं, इसको 5i को उठाते हैं, इन दोनों में कराते हैं, तो 5i इसको कराएंगे कितना हो जाएगा, 10i और इनटू आई कैप। ठीक है, कैप जरूर लगाइएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाते हैं, 5 का ही हम इसके साथ करेंगे, तो 5 का यहाँ माइनस लगाइएगा। 5i का जब j के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5i इंटू जे कैप। ठीक है, इसके बाद प्लस 3 के इसमें कराएंगे तो 3×6i कैप और इंटू जे कैप। इसके बाद माइनस लगाते हैं, 3j कैप इंटू जे कैप। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आपको याद रखनी है कि देखिए, जो सेम है, जैसे i है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, और जो ij हो गया, ये अलग अलग जो हैं इनकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। तो देखो, ij हो गई तो ये अगर 0 का 5 में गुणा कराएंगे तो ये टोटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना, 10। ठीक है, और ii कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस का ये चिन्ह लगा है 3, ये 3 हो जाएगा, कितना टोटल आ गया, 7। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, 7 जूल। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है, 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लगता है तो तल का दाब होगा, तो किसी इसमें क्या करेंगे। देखिए, हम लोगों ने सूत्र पढ़ रखा था, क्या दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है क्या, बल बटे क्षेत्रफल। ये सबको पता होना चाहिए भाई कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब इसमें कह रहा है किसी तल पर जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल कितना है, 100 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद देख रहे हैं क्या, 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें कह रहा है कि 10 वर्ग सेंटीमीटर, देखो 10 वर्ग सेंटीमीटर है, अब इसको हमें देखो न्यूटन जो है मीटर में है, इसको मीटर में ले जाने के लिए किसका गुणा करा, भाग देना पड़ेगा 100 का। ठीक है, 100 का भाग देना पड़ेगा, और 100 का भाग देने के बाद ये किसमें हो जाएगा, मीटर में होगा, और यहाँ वर्ग लगा है, वर्ग, जब वर्ग लगा होता है इसका मतलब स्क्वायर हमें जो है दो बार करना है, कितनी बार करना है, दो बार करना है। तो 10 क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है,
10/10 है, 10 वर्ग सेंटीमीटर, और इसको 10 वर्ग सेंटीमीटर को हम क्या बना रहे हैं, मीटर में, तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 100। ठीक है भाई, ये 100 यहाँ लिखा हुआ था, नीचे वाला ऊपर आ गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब इससे क्या होंगे, एक जो है 0 कट जाएगा, बाकी शेष जो बचता है कितना बच जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो क्या हो जाएगा, 1 × और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10^5, 10^5 क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान क्या, कौन सा सही हो जाएगा, इसका मान सही हो जाएगा ए, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सूत्र क्या बताए थे, इसका सूत्र बताए थे एफ बराबर, जो है एफ बराबर क्या था, g1 m1 m2 अपान d² ये था। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए, क्या d क्या हो, यहाँ पे d बात करें तो d क्या होती है, d कह रहा है कि इसकी जो है दोगुनी कर दी जाए, तो इसको इसको तो हटा ही दीजिए, हम इतना रिलेशन लेते हैं एफ बराबर 1/d². ठीक है, क्योंकि हम मास दे नहीं रखा है, तो दूरी की बात की करी है तो दूरी के हो लेते हैं, तो एफ बराबर क्या लिए, लिए एफ अनुक्रमानुपाती 1/d² ले लेते हैं। अब कह रहा है डी को अगर हम दोगुना कर दें, मान चलिए यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब चलिए आप इसको क्या करिएगा, दोगुना करिएगा, दोगुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपका मान कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद 4 गुना नहीं भाई, 4 गुना क्या होता है ये देख लीजिएगा, एफ बराबर इस तरह अगर 4 लिखता तो 4 है, लेकिन 1/4 लिखा है तो क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर जो है किसी पिंड का भार क्या होता है, तो वह होता है 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होने के कारण किसी पिंड का भार 0 होता है, जबकि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि, क्योंकि इसमें पहला, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। नेक्स्ट दे रखा है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, सी ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन है, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंखला को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित अनुपस्थित है क्योंकि, चंद्रमा पर वायुमंडल कैसे, क्यों अनुपस्थित है, क्योंकि यहाँ के जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या है, वह कम है, गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल अनुपस्थित है। इसके बाद यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा चौथाई। अभी इसको हमने सॉल्व भी कराए हैं और एक बार आप लोग फिर से सॉल्व करके देख भी लीजिएगा। इसके बाद समान निष्ठ है, समान भार में पदार्थ की मात्रा होती है, समान भार में पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उत्तरी ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम या चंद्रमा पर न्यूनतम, तो
तो उपयोग तो सभी स्थानों पर समान होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा क्या है, द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे जहां पर हो। ठीक है, क्या गुरुत्वीय जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान परिवर्तित हो जाता है, ना कि द्रव्यमान। जैसे आप यहाँ पे एक व्यक्ति पृथ्वी पर 72 किलोग्राम का है, तो वह चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6। तो ये सब देखो बहकाने के लिए दिया है कि चंद्रमा पर जी का मान 1/6 होता है, तो जी किसका, गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 होता है। ठीक है, घर्षण बल जो गुरुत्वीय बल होता है उसका मान 1/6 होता है। तो अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी कितना हो जाएगा, 72 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम दरवाजे कब्जे पर तेल लगाते हैं तो घर्षण बल क्या हो जाता है, तो घर्षण बल बताइए क्या हो जाता है, अगर तेल लगाने से क्या होता है, घर्षण बल में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, अर्थात तो क्या हो जाएगा, वह घट जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 11th नंबर है, 11th नंबर को देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो घर्षण वाला क्वेश्चन उसको विस्तृत देख लेते हैं। दरवाजों के कब्जे पर तेल लगाने से उसका घर्षण घट जाता है, जिससे खुलने में आसानी होती है। तेल स्नेहक का कार्य करता है, तेल जो है स्नेहक का कार्य करता है। ठीक है, 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है किसके, तो ये दे रखा है W = mg, और हमको पता है m का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, और जो है g का मान कितना होता है 9.8 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा इसका, जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 264, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट है, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, जब लिफ्ट जा रही होती है एक समान नियत त्वरण से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है, तो स्टीयरिंग के ढील होने के कारण। ठीक है, गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। फ्री प्ले का अर्थ है जितनी स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के मोड़ने में कोई प्रभाव ना पड़े। इसके बाद है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, दोनों ध्रुवों पर। ठीक है, चाहे दक्षिणी हो चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो। इसके बाद निम्बो निचोड़ने की मशीन कौन से उसकी कार्य करती है, कुल मिला के प्राथमिक उत्तोलक है, द्वितीय उत्तोलक है या तृतीय उत्तोलक है, कौन से उत्तोलक का यह आंसर है, तो ये जो है बताएंगे आप सभी लोग, यह है नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय। इसमें क्या होता है, जो हम भार रखते हैं, भार क्या होता है, भार बीचों बीच होता है, भार कहाँ होता है, बीचों बीच होता है। ठीक है, तो नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक है। इस प्रकार अगर उत्तोलक में आलम्ब क्या होता है, आलम्ब को हमने लिखवाया था, आलम्ब जो है आलम्ब बराबर किससे, एफ फलक्रम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आलम्ब को, फलक्रम, और आयास इफर्ट, आयास को किससे प्रदर्शित करते थे, इसे इफर्ट। और इसके बाद जो भार बचता है, भार को जो है एल से भी लोड के नाम से करते हैं, और या फिर इसको एम से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह आर्कमिडीज के उत्प्लवन बल के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल
का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरने लगता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रेखा जाए, उसे रखा जाए, ठीक है, उसे रखा जाए। वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होता है, ठीक है। इसके वस्तु का भार न्यूनतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर और विषुवत रेखा पर सबसे कम, विषुवत रेखा पर और दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। इसके बाद अगला चलेंगे, संवेग के परिवर्तन की दर क्या है? संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? तो संवेग के परिवर्तन की दर के बारे में बात करें तो वह बल, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है बल कूड़े, संवेग बराबर क्या होता है? बल जो है बल गुणे वेग, ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु किसी निकाय की स्थिति में स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की गति में गति की दर में परिवर्तन बल द्वारा किया जाता है, क्योंकि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु को विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? ब्रेक लगाने पर वाहन को बल, तो देखिए ये होता है कौन सा बल? सब लोग अच्छी भली भांति प्रकार से जानते हैं कि यह बल जो होता है वह होता है कौन सा? घर्षण बल। अभी हमने इसको पढ़े भी हैं, कौन सा बल हो जाएगा वह? घर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वीय बल क्या होता है? जो पृथ्वी की सतह पर लगता है। वैन डेर वाल्स बल, सह संयोजक बल। इसके बाद निश्चित चलेंगे, इसमें मित्र क्वेश्चनों की संख्या 26 है, जो 90 हमने 19 कर ली रखी है, और इसके बाद जो है से सभी इस में कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जो है ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, फोर्थ चैप्टर। धीरे धीरे सभी इसी कड़ी में सभी, और याद रखिएगा जितने भी प्लेलिस्ट हैं आप सभी लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जो है चाहे वो साइकोलॉजी की हो, चाहे जीवन कौशल की हो, चाहे जिसकी हो, ठीक है, शिक्षण कौशल की हो, जीवन कौशल की हो, तो ये सारी जितने भी हैं वो सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो इसमें है ये जो हमने इधर उधर का नहीं, सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा द्वारा प्रयागराज द्वारा जारी किया गया था उसके अनुसार पढ़ाया जा रहा है। और ये क्वेश्चन इधर उधर के क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर जितने भी सहायक अध्यापक में पूछे गए हैं उनको लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी और पृथ्वी, देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? किन्हीं भी दो वस्तुओं की बीच जो लगता है उन्हें क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं या एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण के व्यापक रूप को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे यदि 1 ग्राम किलो, यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर का बल होगा। यह बल बहुत ही कम हो या इसका कोई प्रभाव भी ना नहीं दिखाई देगा, परंतु इसका विशाल खगोलीय पिंडों को पिंडों के मध्य यह बल इतना अधिक होता है कि इसी के कारण वे केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं, संतुलन में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो किसी वस्तु का हमने बताया था कि सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक मान होता है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहते हैं? तो जी हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थिरांक, ठीक है। इसके बाद, और इसका मान अगर पूछा जाए 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर
किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसके बाद एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। इस जल जल में भार होगा, तो भार कितना हो जाएगा? तो ये चीज़ देख लीजिएगा, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो एक चीज़ बताइएगा, जैसे कोई भी चीज़ है, मान लिया कि ये इसमें बोल रहा है कि एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार होगा। तो देखो, इसमें आभासी भार की बात कर रहा है। तो चलिए, आभासी भार बराबर क्या होता है? तो आभासी भार बराबर होता है एम जी, ठीक है। अगर एम जी और माइनस एम जी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों हो जाएगा? देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबो जाती है, तो क्या होता है? उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो डी डी या जी गुरुत्व, वो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, एम बराबर 200, जी का मान कितना? 1 माइनस 200 गुणे जी का मान 1, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन, डी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो उसका क्या होता है? उसका भार घट जाता है। देखिए, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इतना बात समझ में याद रख लीजिएगा। किस में परिवर्तन होता है? भार में। अगर वह मान लीजिएगा पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर वह कितना है? 60 किलोग्राम का है, तो वह चंद्रमा पर कितने किलोग्राम का हो जाएगा? तो वह चंद्रमा पर हो जाएगा 60 × 1/6, कितना? 10 किलोग्राम का, ठीक है। अगर पृथ्वी पर 60 kg का है, तो वह चंद्रमा पर कितने का हो जाएगा? 10 kg का हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लग जाती है, किस कारण से? वायुदाब की कमी के कारण, क्योंकि पृथ्वी में यहाँ पे क्या है? वायुदाब जो है अधिक है, और वह जब वैसे हवाई जहाज में जाता है ऊपर, तो वहाँ क्या हो जाता है? वायु भार में, वायुदाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसके बाद दो क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 26 नंबर। किसी वस्तु का भार, अब बताइए किसी वस्तु का भार कि कहाँ अधिक होता है? ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, ये तो भाई गलत है। ध्रुवों पर सबसे क्या होता है? अधिकतम होता है। निश्चय विषुवत रेखा पर क्या होता है? सबसे कम होता है। पृथ्वी पर सभी स्थानों में समान रहता है, ये तो गलत बात हो गई भाई। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए मित्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और बहुत ही बेहद आशा और नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं हम लोग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये जो है सुपर टेट की जितने भी सिलेबस के अनुसार है, सारा कुछ हम लोग कवर कर रहे होंगे। एक चीज़ और, ये जो है यूथ कंपटीशन लेवल की जो बुक्स आती हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। और इसके भी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, देखो पहली बात तो हम चैप्टर वाइज सबको सॉल्व ही करा रहे हैं। ये जितने भी चैप्टर वाइज हैं, तो चैप्टर वाइज देखिए, जो सहायक अध्यापक में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम उस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो उनको पहले हम चैप्टर डिस्कस करते हैं, उसका थ्योरी डिस्कस करते हैं, और थ्योरी डिस्कस करने के बाद ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट उस पर चलेंगे, कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। तो अगला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? कार्य है, सामर्थ्य है एवं ऊर्जा, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, इसको डिस्कस करेंगे।